हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम 2.5 मीटर कपड़े में ए लाइन कुर्ती में ज़्यादा घेर निकालने की ट्रिक शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे मैं जो भी वीडियोज़ डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने, देखिए, ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। ये रेयन फैब्रिक है। तो सबसे पहले पूरे कपड़े को हम डबल फोल्ड में करके रखेंगे लेंथ में, और इसकी विड्थ देखिए कपड़े की, ये करीब 44 इंच की है। यहाँ से देखिए ये 44 इंच की इसकी विड्थ है और ये कपड़ा लेंथ में 2.5 मीटर है। तो कपड़े को मैंने खोल के इस तरह से डबल में फोल्ड कर लिया है लेंथ में। इसके बाद हम इसे विड्थ में इस तरह से एक फोल्ड और करेंगे। अभी टोटल हमारी ये फोर लेयर्स हैं, फोर फोल्ड हैं। यहाँ से हम इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ आपको जितनी चाहिए उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखें। तो यहाँ से देखिए मैं लेंथ मार्क कर लूँगी। यहाँ पे मैं 47 इंच इसकी लेंथ मार्क कर रही हूँ। बनने के बाद ये 45 इंच की रेडी होगी। इस तरह से लेंथ के लिए मैंने मार्क कर लिया है। ये थोड़ा सा कपड़ा नीचे एक्स्ट्रा आ रहा है तो इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। और उसके बाद यहाँ बंद वाली साइड से हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं इसमें 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। इस तरह से मैंने मार्क किया। इसके बाद हम आर्म होल मार्क कर लेंगे। तो आर्म होल के लिए मैं इसमें 7 इंच मार्क करूँगी। इस तरह से मार्क कर लिया। इसके बाद दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना के। और अभी हम इसकी चेस्ट मार्क करेंगे। मैं इसे 34 चेस्ट का बना रही हूँ। अब 34 का जो 1/4 होता है, चौथाई हिस्सा होता है, वो होता है 8.5 इंच। तो किसी भी साइज के लिए इसी तरह से मार्क कर लेना है। चेस्ट का 1/4 ले लेना है और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर लेना है। तो 8.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा, टोटल मैंने 10.5 इंच ले लिया किसी भी साइज के लिए। चेस्ट का 1/4 और 2 इंच का उसमें मार्जिन। इसके बाद यहाँ से देखिए वेस्ट लेंथ जो होती है वो हम नॉर्मली 14 इंच पे मार्क करते हैं, जो एक नॉर्मल हाइट होती है उसके लिए। और अगर आपकी लेंथ हाइट ज़्यादा है तो 14.5 इंच आप ले सकते हैं। अब यहाँ से हम वेस्ट का 1/4 लेंगे, चौथाई हिस्सा, तो वो मैं 7 इंच लूँगी 28 वेस्ट साइज के लिए। और 2 इंच का हम इसमें भी मार्जिन ले लेंगे। तो जितना ऊपर लिया है मार्जिन उतना ही लेंगे। तो मैंने 9 इंच टोटल ले लिया है। अभी यहाँ से देखिए हम यहाँ से करीब 2 इंच जो है उसे स्ट्रेट रखेंगे और इस तरह से मिला देंगे। इससे फिटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी आती है। अब यहाँ से हम सीधे क्रॉस में नीचे तक मिला देंगे। इसमें हमें हिप का मेजरमेंट नहीं करना है, तो बस हम क्रॉस में इसे नीचे तक इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए करीब 1 इंच मैं यहाँ छोड़ रही हूँ साइड में, और यहाँ तक इस तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से मैंने यहाँ मिला लिया। और इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल में गोलाई देंगे। तो आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे। हाफ इंच अंदर से फ्रंट के लिए आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। और उसके बाद हम इसकी नेक मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ मैं 3 इंच मार्क कर रही हूँ, मैंने मार्क किया नेक डीप। बैक के लिए 4 इंच मैंने मार्क किया है और फ्रंट के लिए 5.5 इंच मार्क किया है। दोनों में हम इसे राउंड शेप देंगे इस तरह से। फ्रंट में भी हम इसे राउंड शेप देंगे। और इसके बाद शोल्डर पे हम 1/2 इंच की स्लोप देंगे और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल और बैक नेक इसकी कट करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अभी यहाँ से देखिए एक मार्क करेंगे हम 3 इंच पे, और इस जो इसकी घेर है उसे इस तरह से गोलाई मार्क कर लेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लिया है। अब हमें देखिए जो घेर में जो इसकी घेर बढ़ानी है उसके लिए देखिए क्या करना है। यहाँ जो वेस्ट हमने कट की है ठीक
उसके 1.5 इंच ऊपर मार्क करना है। यहाँ हमारी वेस्ट है, यहाँ से 1.5 इंच मार्क करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन बना लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। ऊपर की साइड हमारी स्लीव बन जाएगी ऊपर के कपड़े में, और नीचे वाला कपड़ा हमारा घेर में अटैच हो जाएगा। इसे यहाँ स्लीव के लिए हम रख देते हैं। और अब जो ये साइड में कपड़ा बचा है उसे हम घेर में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ये किनारी वाली जो साइड है इसकी, इसको हम कट करके निकाल देते हैं इस तरह से, इसको हटा देंगे। और अभी जो ये सीधी साइड है जो मेरी वाली साइड में है, यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से रखते हुए, यहाँ से ज्वाइन करना है। ये दोनों साइड में आएगी, फ्रंट और बैक दोनों साइड में। तो इसे हम इसमें स्टिच करेंगे। उससे पहले ये जो फ्रंट का पार्ट है उसकी आर्म होल और नेक हम कट कर लेते हैं। तो बैक का पार्ट हटा देंगे और कपड़े को फिर से उसी तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह, और इसकी आर्म होल और नेक हम कट कर लेंगे। तरह से मैंने कट कर लिया है। अभी हम देखिए इसे ज्वाइन कैसे करेंगे। तो ये फ्रंट का पार्ट है, खोल के रख लेते हैं इस तरह से। और इसके बाद जो साइड से हमने कपड़ा कट किया था उसमें से देखिए दो पार्ट ले लेंगे, दो फ्रंट में अटैच होंगे और दो बैक में होंगे। तो इस तरह से साइड में अटैच होना है ये। तो यहाँ से वेस्ट से करीब एक इंच ऊपर से हम इसे ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से सीधी साइड दोनों एक साथ मिला के रखनी है और इसमें सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड भी ठीक इसी तरह से वेस्ट से थोड़ी ऊपर हम इसे इस तरह से बराबर से रख लेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने ये दोनों फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में हमने ये साइड का कपड़ा ज्वाइन कर लिया है। अभी इसकी घेर देखिए अनइवन है, तो हम इसमें गोलाई मार्क करेंगे। तो इस तरह से गोलाई मार्क करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम निकाल देंगे। इस तरह से मार्क कर लिया है। और इसके बाद देखिए घेर आप इतनी रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी कम करना चाहते हैं तो आप साइड से कट करके निकाल देते हैं। अभी इसमें 41 इंच आ रहा है घेर में, जबकि ये फोर लेयर्स में है, काफ़ी ज़्यादा इसमें घेर है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा साइड से निकालूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घेर है। तो इस तरह से इतना कपड़ा मैं निकाल दूँगी। तो ऊपर की साइड से इसी तरह से इसे क्रॉस में रखेंगे, इस तरह से निशान बना लेते हैं और इसे हम निकाल लेंगे। तरह से निकाल लिया है। अभी देखिए इसकी हम नेक तैयार करेंगे, और उससे पहले ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो कपड़ा ये फोर लेयर में है, तो यहाँ से स्लीव की लेंथ मार्क कर लेंगे। तो मैं 12 इंच मार्क करूंगी इसकी लेंथ के लिए। ये बनने के बाद करीब 10.5 इंच की रेडी होगी। यहाँ से विड्थ के लिए मैं इसमें 9 इंच मार्क करूंगी, यहाँ से भी 9 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम एक मार्क करेंगे 3 इंच पे और इसे स्लीव की शेप देंगे। यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे, तो वो मैं 7 इंच मार्क कर रही हूँ इस तरह से। और इसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ स्लीव्स हमने कट कर ली है। अभी फ्रंट साइड की स्लीव में हम 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो दोनों साइड की स्लीव को खोल के रख लेते हैं। दोनों उल्टी वाली साइड एक साथ रखी है एक दूसरे को फेस करते हुए, इस तरह से रखना है। और यहाँ पे
इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। कट कर लिया, ये साइड हमारी फ्रंट की होगी। अभी स्लीव में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी जो किनारी वाली साइड है वो फोल्ड कर लेंगे। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम देखिए नेक के लिए स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो सबसे पहले ये दो लेयर्स मैं रख रही हूँ, तो इस तरह से देखिए ये डबल फोल्ड में है। अभी सबसे पहले हम बैक पार्ट के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो यहाँ देखिए कपड़ा कम है, यहाँ पे एक जॉइंट आएगा नेक की स्ट्रिप में, तो इसलिए हाफ इंच हमने साइड में बढ़ा के रखा है। इस तरह से सेम मार्क कर लेंगे। उसके बाद डेढ़ इंच का मार्जिन लेते हुए ये स्ट्रिप हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने स्ट्रिप कट कर ली बैक के लिए। अभी यहाँ देखिए यहाँ पे जॉइंट आएगा, तो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और अभी हम फ्रंट पार्ट के लिए कट करेंगे। तो ये फ्रंट का पार्ट मैंने लिया है, इसमें भी हम साइड में हाफ इंच बढ़ा के लेंगे। और यहाँ से हम नेक को इसमें ड्रॉ कर लेंगे और इसमें भी 1.5 इंच का मार्जिन लेते हुए स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये फ्रंट की स्ट्रिप भी कट कर ली है, इसमें भी हम यहाँ जॉइंट लगा लेंगे। तो स्ट्रिप को इसमें अटैच करते हैं, तो सीधी साइड से रखेंगे और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से, और इसमें हम सिलाई लगा के स्ट्रिप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक इसी तरह से जो फ्रंट का पार्ट है उसे भी सीधी साइड से खोल के रखेंगे और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे इस तरह से, और इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने स्ट्रिप में सिलाई लगा ली है, छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे इस तरह। और कट्स बनाने के बाद स्ट्रिप को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे डबल करते हुए इस तरह से, बिल्कुल अंदर की साइड रखना है। ये फ्रंट साइड की जो स्ट्रिप है यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल करते हुए बिल्कुल अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। यहाँ मैं एक पिन से इसे फिक्स कर रही हूँ। इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह से स्ट्रिप को डबल फोल्ड कर लेना है। और यहाँ शोल्डर हम अटैच कर लेंगे, उसके बाद नेक की स्ट्रिप में हम सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट की जो स्ट्रिप है उसे फोल्ड किया है, और जो बैक की स्ट्रिप है वो इस तरह से रखना है। बैक की स्ट्रिप को आगे वाली साइड में इस तरह से लाना है यहाँ पे, और इसे भी डबल कर देना है। इससे जो शोल्डर की जो सिलाई है वो छुप जाएगी। इसमें भी देखिए ये जो बैक पार्ट है उसकी स्ट्रिप को आगे वाले साइड में इस तरह से ले जाना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने देखिए सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे इसकी सिलाई इस तरह से छुप जाएगी। उसके बाद हम स्ट्रिप में सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो नेक देखिए मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। अभी हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स मैंने तैयार कर ली है, यहाँ सेंटर मार्क कर लेंगे स्लीव का। फ्रंट साइड की स्लीव हम फ्रंट साइड में अटैच करेंगे, इसका ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रखते हुए स्लीव को इसमें ज्वाइन कर लेंगे। मैंने स्लीव इसकी ज्वाइन कर ली है। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे पलट के उल्टे साइड से रख लेते हैं, इस तरह से मैंने रख लिया है। इस पर फिटिंग के निशान मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट का सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे इस तरह से, वेस्ट का भी सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे। और अभी सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट का चौथाई हिस्सा मार्क कर लेना है, वेस्ट का भी चौथाई हिस्सा मार्क कर लेना है,
और दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का ही 1/4 मार्क कर लेंगे। अब यहाँ 2 इंच तक इसे हम सीधा रखेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। ठीक इसी तरह से यहाँ भी हम निशान बना लेंगे और उसके बाद वेस्ट से देखिए इसको इस तरह से घुमाते हुए बिल्कुल नीचे तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेनी है और नीचे से इसकी घेर को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने देखिए फिटिंग की सिलाई इसकी लगा ली है और ये कुर्ती बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।